यह आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ आकाशवाणी संवाददाता भूपेंद्र सिंह की बातचीत। भारत आजादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है, आगे आने वाले वर्षों में आप कैसे भारत की परिकल्पना करते हैं जो देश को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिलाने में मददगार साबित होगा? 15 अगस्त 2022 को भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश के लिए जन भागीदारी का एक आंदोलन बने। देश के कोने कोने में आजादी के 75 वर्षों को हम धूमधाम के साथ मनाए भी, और आजादी के लिए कितना कड़ा संघर्ष स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने किया उससे प्रेरणा लेते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 130 करोड़ भारतीय एक साथ मिलकर चले, ऐसा आह्वान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे मंत्रालय की भी यही सोच है कि हम आजादी के अमृत महोत्सव में अपना योगदान दें, और किस प्रकार भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भारत को एक आत्मनिर्भर, अग्रणी, सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और यही हमारी परिकल्पना है कि आने वाले समय में भारत दुनिया के तमाम देशों को उनके भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में भारत संदेश भी दे। इस जन उत्सव को जन भागीदारी में बदलने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम शुरू किए जाने की योजना है? हमारा मंत्रालय प्रयास कर रहा है विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, जिसमें हमने ये तय किया है कि देश भर में हम राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों का आयोजन करेंगे, और इन संगोष्ठियों के साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए हम राष्ट्रीय स्तर पर निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करेंगे। और इसका जो विषय होगा वो भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, कैसे हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें यानी आयातों का प्रतिस्थापन करें, और हमारे जो निर्यात है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। इसके लिए हमने ये भी तय किया है कि 35 हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन इवेंट्स हैं जिनको हम आयोजित करेंगे। साथ में हमारे जो SEZs हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ग्रीन और क्लीन हमारे SEZ कैसे बने, इसके लिए पौधारोपण का, ट्री प्लांटेशन का ड्राइव भी चलाया जाएगा। देश भर के 700 जिलों में हम वाणिज्य उत्सव मनाएंगे। इस वाणिज्य उत्सव के अंतर्गत हमने तय किया है बायर सेलर मीट से लेकर एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉन्क्लेव्स भी होंगे, और ये सारे प्रयास ये तय करेंगे कि हमारे आत्मनिर्भर भारत की भावना को हमें कैसे जागृत करना है। हमारे मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सारे कमोडिटी बोर्ड्स भी आते हैं, टी बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है, स्पाइसेस बोर्ड है, रबर बोर्ड है, इसमें लाखों की संख्या में प्लांटेशन वर्कर्स काम करते हैं। उनको भी हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ये संदेश देंगे कि फ्रॉम फार्म टू फॉरेन लैंड हमें कैसे आगे बढ़ना है, उसमें हम क्या योगदान कर सकते हैं। तो ये तमाम किस्म के कार्यक्रम हैं जिसकी एक संकल्पना हमने मंत्रालय में तैयार की है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इन सबको हम अंजाम देंगे। किसी भी देश के विकास में उद्योगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने, उनकी उत्पादकता में सुधार करने और उन्हें वैश्विक स्तर पर और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? हमारे अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, ये किसी भी देश की प्राथमिकता होनी चाहिए, और भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की भी ये प्राथमिकता है। इस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। हमने प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है, और इस योजना के अंतर्गत भारत कैसे एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बने, इसके लिए हम प्रोडक्शन वैल्यू पर 5-6% का इंसेंटिव दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़े। और हमारे जो इस वर्ष की बजट घोषणा रही उसमें 1,97,000 करोड़ का हमने एक आउटले भी इसके लिए घोषणा की है, उसको भी लाने का काम किया है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से हम लगातार अपनी रैंकिंग में बढ़ोतरी कर रहे हैं। जो वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसमें हमने देखा कि भारत ने कैसे 142वीं पोजीशन से 63वीं पोजीशन पे उछाल दिखाई है। तो कैसे हम प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करें, कैसे हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हम कम से कम, उसके सबमिशन की जो कंप्लायंस है वो रखें, डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ें, ये सारे प्रयास इसीलिए किए जा रहे हैं कि हम अपने घरेलू उद्योग को कैसे बढ़ा सकें। इसके अतिरिक्त मैं चर्चा करना चाहूंगी जो हम एक नेशनल लेवल पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की पॉलिसी बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जिसको हमने आगे बढ़ाना है, इस पर काम चल रहा है, और वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हब
हमारा देश बने इसके लिए प्रयास है। इसके साथ ही इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक एक ऐसा हमारा कदम है जिसके माध्यम से अब कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो लैंड की उपलब्धता के संबंध में उनको आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये तमाम कदम भारत सरकार ने उठाए हैं। भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और देश को एक प्रमुख वैश्विक निर्यात हब बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? ये बिल्कुल सही बात है कि हम भारत को निर्यात की दृष्टि से अग्रणी बनाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हम 400 बिलियन डॉलर तक एक्सपोर्ट्स को लेकर जाएं। कुछ दिनों पहले इस संदर्भ में एक बहुत बड़ी संगोष्ठी भी हुई थी जिसमें हमारे एक्सपोर्ट के इस क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब वर्चुअली माननीय प्रधानमंत्री जी से जुड़े थे, जिसमें कई देशों में हमारे मिशन्स के अंदर बैठे हुए एम्बेसडर्स भी शामिल थे। और बड़े स्पष्ट रूप से ये संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि 400 बिलियन डॉलर तक एक्सपोर्ट्स को कैसे बनाना है। उसके लिए एम्बेसडर्स को भी ये कहा गया कि आप, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव है इसलिए 75 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, तो 75 ऐसे कौन से नए उत्पाद हो सकते हैं कि जिन देशों में वो हैं वहां पर उसकी रीच, उसकी मार्केट एक्सेस हम बढ़ा सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करें और इसमें जो हमारा इंडियन डायस्पोरा वहां पर है उनसे भी संपर्क करके इसको समझने का प्रयास करें। जहां तक मंत्रालय की योजनाओं का सवाल है तो हमारी एक इनिशिएटिव है डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में जब लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम अपने जिलों को एक्सपोर्ट हब बनाने की कोशिश करें। यानी हमारे देश के ऐसे बहुत सारे जिले हैं जिसमें कोई ना कोई उत्पाद ऐसा अवश्य है जिसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, तो हम हर एक जिले को एक एक्सपोर्ट हब बना सकते हैं। और इस जिम्मेदारी के तहत जो हमारा डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड है वो राज्यों की सरकारों के साथ एंगेज कर रहा है। जिला स्तर पर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं ऐसे उत्पादों को जिनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, उसे तमाम तरीके का सहूलियत देकर हम बढ़ाना चाहते हैं, तो एक हमारी ये योजना है। इसके अलावा जो हमारी प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम है जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की, उसके तहत भी हम मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ा रहे हैं, एक्सपोर्ट को हम गति देना चाहते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हम एक नई स्कीम लेकर आए हैं रॉटेप, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। इससे भी हमारा जो उद्देश्य है, जो भावना है वो यही है कि जो हमारे एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसे कम्पेटिटिव बने, तो ये हमने प्रयास किया है। और इसके साथ क्योंकि भारत मूलतः एक कृषि प्रधान देश है तो हमारे पास जो एग्रीकल्चरल उत्पाद है उसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन भी हम कर रहे हैं, क्लस्टर बना रहे हैं। हमने एक पोर्टल बनाया हुआ है जिस पर हम एक्सपोर्टर्स को और जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम साथ में लाकर एक लिंकेज कायम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे प्रयास हैं जो हम कर रहे हैं इसकी दृष्टि से। और जैसे मैंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की चर्चा पहले भी की तो इसमें हमारी रैंकिंग सुधरी है, 142 से बढ़कर हम 63 पे आ गए हैं। हम एक नया स्कीम भी लेकर आए हैं निर्विक करके जिसमें एक्सपोर्ट इंश्योरेंस क्रेडिट कवर जो है उसको 60% से बैंकों द्वारा बढ़ा के हम 90% तक ले जा रहे हैं। तो ये तमाम प्रयास हैं जो एक्सपोर्ट को बढ़ाने की दृष्टि से किए जा रहे हैं। टाइज करके हमारी स्कीम है ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, जिसमें 20 करोड़ रुपए तक का जो ग्रांट इन एड है वो हम सेंट्रल एजेंसीज को या स्टेट एजेंसीज को दे रहे हैं कि अगर एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए किसी भी प्रकार का आधारभूत संरचना आपको तैयार करना है तो उसके लिए हम हमको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि कोविड महामारी के ये जो दूसरी लहर रही उसमें जो हमारा अप्रैल से जून का क्वार्टर रहा जिसमें हम सबसे ज्यादा इस दूसरी लहर का सामना कर रहे थे, इसका दंश झेल रहे थे, उस क्वार्टर में हमने रिकॉर्ड ग्रोथ देखी है एक्सपोर्ट्स की जो अभी तक का शायद सबसे ज्यादा है और ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की। मैम, देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और ये नए स्टार्टअप्स रोजगार के नए अवसर मुहैया कराने के लिए किस हद तक सफल साबित हुए हैं? जहां तक स्टार्टअप्स की बात है तो आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में रिकॉग्नाइज्ड है। ये हमारे लिए गौरव की बात है।
क्योंकि हमारे पास आज की तारीख में 50,000 से ज्यादा रिकग्नाइज स्टार्टअप्स हैं और ये देश के जो हमारे टेक्निकली क्वालिफाइड स्किल्ड युवा हैं, युवा शक्ति हमारे पास बहुत ज्यादा है दुनिया में। ये हमारे युवाओं ने इन स्टार्टअप्स को बढ़ाने का काम किया है। हम एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में रिकग्नाइज हो चुके हैं और दूरदर्शन पे एक हम स्पेशल कार्यक्रम चलाते हैं स्टार्टअप चैंपियंस का, तो ऐसे बहुत सारे युवाओं को हम बुलाते हैं और उनकी बात, उनके अनुभव, कैसे उन्होंने अपने स्टार्टअप को बढ़ाया, उनके सारे अनुभवों को साझा करते हैं ताकि देश के अंदर जो अन्य युवा हैं वो देखें कि कैसे हम स्टार्टअप के जरिए आत्मनिर्भर बन सकते हैं, देश आत्मनिर्भर बन सकता है। और इसके लिए हमने लगभग 48 ऐसे रेगुलेशंस हैं जिनका सरलीकरण किया है ताकि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो आसानी से शुरू हो सकें। इसके साथ ही हमने एक स्पेशल फंड क्रिएट किया है जिसे फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम कहते हैं, 10,000 करोड़ के कॉर्पस के साथ। स्टार्टअप सीड फंड स्कीम भी है जो 945 करोड़ की है। तो ये सारे जो प्रयास कर रही है भारत सरकार और हमारा मंत्रालय इसी उद्देश्य से कर रहा है कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम और बढ़े, ज्यादा से ज्यादा युवा इसमें आए, स्वावलंबी बने, तब स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे तो देश भी आत्मनिर्भर बनेगा और आजादी का अमृत महोत्सव बनाने का जो हमारी मंशा है वो साकार होगी। राष्ट्रीय ई कॉमर्स नीति की अभी क्या स्थिति है और इसके कब तक लागू होने की संभावना है? नेशनल ई कॉमर्स नीति जो है उस पर हमने बहुत सारा स्टेक होल्डर्स के ओपिनियंस लिए हैं, उनके सुझाव लिए हैं और उन सबको इनकॉर्पोरेट करके हमने उसका एक ड्राफ्ट सर्कुलेट किया हुआ है जो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन से होकर गुजर रहा है और इस पर थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन हम बहुत गहनता से अध्ययन करके इसको लाना चाहते हैं ताकि हम अपने जो छोटे कारोबारी हैं या जो बड़ी कंपनीज हैं या जो हमारा कस्टमर्स है सबके बीच में एक हमको संतुलन बना के सही दिशा में काम करना होगा। छोटे व्यापारियों को ई मार्केट प्लेस से जोड़ने के लिए जेम किस तरह मददगार साबित हो रहा है और जेम पोर्टल को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? जेम पोर्टल आज भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जो देश भर के अंदर बायर्स को, सेलर्स को पेपरलेस, कॉन्टैक्टलेस और कैशलेस अनुभव प्रदान कर रही है। 6,90,000 से ज्यादा जो एमएसईज हैं, बायर्स, सेलर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, वो इससे जुड़ चुके हैं और हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा और लोगों को हम इसमें जोड़ें और छोटे जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या सेलर्स हैं उनको जेम के जरिए हम ये भी सहूलियतें देते हैं तमाम किस्म की कि मान लीजिए हमारा कोई ऑर्डर वैल्यू है, परचेज है जो 200 करोड़ से कम की है तो उसमें हम ग्लोबल टेंडर स्वीकार नहीं करेंगे, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमारे पास पर्याप्त लोकल कैपेसिटी है तो हम बिड के लिए जो हमारा ए क्लास का डोमेस्टिक सप्लायर होगा उसको ही हम एलिजिबल मानेंगे। तो जेम अपनी ट्रांसपेरेंसी के लिए, अपनी एफिशिएंसी के लिए और अपने पेपरलेस, कॉन्टैक्टलेस, कैशलेस स्वरूप के लिए अपनी पहचान बना चुका है और बहुत ही सक्सेसफुली चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि ई कॉमर्स कंपनियां बाजार में अपनी मोनोपोली का इस्तेमाल कर वस्तुओं पर भारी छूट प्रदान कर रही है, ऐसे में छोटे व्यापारियों के हितों का संरक्षण करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, ये सच है कि समय समय पर हमें ऐसी शिकायतें, ऐसे ग्रीवेंसेस सुनने को मिलते हैं कि जो बड़ी कंपनियां ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं उनके कारण जो हमारे घरेलू स्तर के छोटे व्यापारी हैं उनके हितों की अनदेखी हो रही है, या कहिए कि जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं वो ज्यादा कोई अनफेयर एडवांटेज ले जाते हैं। लेकिन सारी बातें मंत्रालय के संज्ञान में हैं और हमारी ये कोशिश होगी कि हम ऐसा अपना एक व्यवस्था विकसित करें जिसमें एक तरफ हमको अपने कस्टमर के लिए भी ध्यान रखना है कि क्लाइंट के लिए कि उनके पास ज्यादा चॉइसेस हो, ऑप्शंस लिमिटेड ना हो, अफोर्डेबल प्राइसेस हो, लेकिन इसके साथ ही साथ जो हमारे छोटे प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, सब कैसे संतुलन में काम कर सके और विशेष तौर से जो हमारे स्मॉल प्लेयर्स हैं उनकी किसी भी तरीके की हानि ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अभी आप सुन रहे थे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ आकाशवाणी संवाददाता भूपेंद्र सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnstalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।